नगर पालिका परिषद दीपका के गोबर घोरा वार्ड में रेल कॉरिडोर से प्रभावित लोगों ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर आग उगली। निर्माणाधीन रेल पथ के पास इकट्ठे होकर प्रभावितों ने काम बंद कराया, फिर रेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर आग उगली। प्रभावितों का कहना है कि रेल लाइन बिछाने रेलवे ने उनकी जमीन का अधिग्रहण तो किया, लेकिन मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है। यही वजह है कि उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता रहेगा। रेलवे लाइन निकालने के लिए पूरा गड्ढा खोद रहे हैं और मिट्टी पटा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोग आए और बतलाने के लिए आए कि अभी तक प्रशासन हम लोग के बारे में कोई सूचना नहीं दिया है, ना संदेश दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोग गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग गड्ढा प्रशासन और रेल अधिकारी ने यहाँ लाइन खींच दिया है कि हम लोग यहाँ से गड्ढा खोदेंगे और मिट्टी पटाएंगे। तो हम लोग बोले कि यहाँ पर गड्ढा अभी मत खोदो, तो लोग नहीं मान रहे थे। इसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं और विरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा रेल प्रशासन के द्वारा या एसडीएम के द्वारा, तब तक हम लोग ये काम चलने नहीं देंगे और काम को बंद करके रखेंगे।